शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज, शांति मेटल, स्टॉकिस्ट एंड इंपोर्टर, वेल्डिंग इलेक्ट्रो रोड, फिलर वायर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मोनल, निकल, इनकोनल, टिटानियम, हास्ट एलॉय, रेडी स्टॉक, जापान, यूएसए, कोरिया। अधिक जानकारी के लिए www.shantimetal.com को लॉगिन करें। शांति मेटल, तीसरा कुंभारवाड़ा, मुंबई 4, टेलीफोन नंबर 022-2388-9468। 30 जून की आधी रात को देश के सर्वोच्च संस्था संसद भवन में के सेंट्रल हॉल में घंटा बजेगा और 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। देश की आज़ादी के बाद भारत गणराज्य में एक पहला एक्सपेरिमेंट जीएसटी को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। संभवतः सरकार का होमवर्क पूरा हो गया है, मगर देश के व्यापारियों की तरफ नजर दौड़ाएं तो आम व्यापारी का जीएसटी को लेकर जानकारी का अभाव है। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार का मानना है कि धीरे धीरे ये जानकारी एवं जागरूकता आ जाएगी। जीएसटी में ऐसे कई कानूनों का प्रावधान है जहां व्यापारी भयभीत है, जाने अनजाने में भी गलती हो गई तो क्या होगा। वही वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वर्तमान में जो वेट है, सेल टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है या ETC वगैरह वगैरह जो भी टैक्स है, उनको कुल मिलाकर के जितना टैक्स बनता है उसके आसपास ही जीएसटी लागू किया जाएगा। मगर ऐसी कई वस्तुओं पर जब 5% के आसपास का टैक्स था, वहाँ 12% कर दिया गया है, 12% के आसपास का वहाँ 28% कर दिया गया है, अथवा 18% कर दिया गया है, 18% के आसपास का सीधा 28% जीएसटी कर दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री जी एम जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को भरोसा दिया है कि इस वेरिएशन को निकाल दिया जाएगा। देखना यह है कि 30 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। कपड़ा बाजार अपने मार्केट में जीएसटी समाप्त करने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के व्यापारिक संगठनों का एक संगठन जो प्रतिनिधित्व करता है, फार्म का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, काफी मेहनत कर रहा है। फार्म की सबसे बड़ी मांग है ई वे बिल पर, उसके सरलीकरण पर। 30 जून को इसमें बदलाव आता है तो फार्म की, उसकी टीम को एवं व्यापारियों को एक बड़ी राहत होगी और साथ में एक बड़ी जीत होगी। लेकिन हार किसी की नहीं होगी, सरकार की भी जीत होगी, क्योंकि व्यापारी खुश तो सरकार खुश, जीएसटी खुश। शुभ समय एम फार्म ने जीएसटी पर अवेयरनेस और जागृति का अभियान चला रखा है। पिछले एक महीने से सतत जारी है, जीएसटी से पहले भी और जीएसटी के बाद भी शुभ समय और फार्म देश के व्यापारियों के साथ खड़ा है और अभी अधिक जिम्मेदारी के साथ ये कार्य करेंगे। जीएसटी पर व्यापारियों का हेतु और सरकार का सेतु बनकर के शुभ समय ताकत के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, ये विश्वास दिलाते हैं हम आपको। हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी वस्तुएं जो 0% से 28% के दायरे में आती हैं। विधिवत रूप से, अधिकृत रूप से हम आपको बता रहे हैं। शुभ समय के माध्यम से आप निरंतर उसको देखिएगा, अलग अलग एपिसोड बन रहे हैं ताकि आपको हमेशा काम आएंगे। आपसे भी निवेदन है कि जीएसटी को लेकर आपके मन में कोई संशय है, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, हम फार्म के साथ मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे उनके निराकरण को करने की, उनके समाधान को संतुष्टिपूर्ण उत्तर देने की। तो देखते रहिए शुभ समय वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लाइव डिजिटल न्यूज चैनल शुभ समय में आप सभी का स्वागत। बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा शुभ समय को, और इसी विश्वास के साथ हम देश के नवनिर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।